फाइट मारना पड़ेगा यार, ठीक है। अभी तो एक महीना हुआ, अभी तो और चीजें आने वाली है, तो क्या अभी अभी छोड़ दोगे? फिर आप एग्जाम से पहले जाके फिर कहोगे सर मेरे से गलती हो गई, मैंने रिवाइज नहीं करा, मेरे से गलती हो गई, मैंने टेस्ट नहीं दिया, मेरे से गलती हो गई सर लेक्चर छोड़ दी। नहीं करना है भाई यही काम। ये जो आप फीलिंग पा रहे हैं कि सर टफ है, मुश्किल है, ये करना वो करना, ये सभी के लिए है भाई, सभी के लिए। अगर आपको उन चुनिंदा बच्चों में बैठना है, ठीक है, तो आपको एक अपनी तैयारी अलग तरीके से करनी है। जो ये नॉर्मल थॉट प्रोसेस चलता है टफ है टफ है टफ है, भाई है, कौन मना कर रहा है? मेहनत डिमांड करता है, आपके अंदर का आलसपन बोल रहा है, आलसपन बोल रहा है, ठीक है, वो बोलने मत दो भाई। ये एक साल आपने खुद से प्रॉमिस किया था, वो पहला दिन का जोश याद कर लो, जब 11वीं खराब हुई थी ना, तो आप सभी लोगों ने खुद को बोला भाई अगली बार नहीं होने दूंगा, मैंने पूरा एक साल बर्बाद किया है। और आज जब आपसे स्ट्रगल करवाया जा रहा है, तो आपके अंदर का वो जो एक्चुअल नेचर आपने 11वीं 12वीं वो 10वीं 11वीं में बनाया था ना आलसपन का, वो आपको रोक रहा है। अब आप उसकी सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, आपकी भी फ्रीडम है। लेकिन जितने भी अच्छे बच्चे हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, आपके जवाब आए या ना आए, आपका स्ट्रगल हमेशा कंटिन्यूड रहेगा लाइफ लॉन्ग, ठीक है। आपको लग रहा है कि यही स्ट्रगल यही खत्म कर देता हूं, पटपुटा के, ऐसा नहीं है, इसके बाद भी स्ट्रगल आएंगे लाइफ में। तो आपको अपना स्ट्रगलिंग फेज में हमेशा लर्न करते हुए चलना है। जो स्ट्रगल में छोड़ देते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। स्ट्रगल आपका कभी नहीं रुकने वाला भाई, स्ट्रगल लाइफ लॉन्ग रहेगा, लाइफ लॉन्ग, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, हमेशा फाइट मारना है, हमेशा कुछ सीखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है।